इस वक्त सामने जो आप बर्ड देख रहे हैं ये कैनरी बर्ड है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये आम कैनरी बर्ड तो नहीं लग रहा, दिखने में अजीब सा लग रहा है, बीमार सा, या कोई प्रॉब्लम है इसको, डिसेबिलिटी है इसके अंदर। ये देखें सामने जो पीस देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि किसी किस्म की डिसेबिलिटी है इसके अंदर, बट ये नेचुरली ऐसे ही है। ये कैनरी के अंदर एक म्यूटेशन है, जैसे बजरी के अंदर एग्जीबिशन बजीज होता है या क्रिस्टेड बजी होता है, इस तरह ये कैनरी के अंदर एक म्यूटेशन है। इसको कहा जाता है दी बेल्जियन हंचबैक कैनरी, यानी कि हंचबैक का मतलब क्या होता है, कुबड़ा। एक आदमी है जिसकी कमर जो है वो कुबड़ी हो गई है, तो उसको कहते हैं हंचबैक हो गया है, उसको हंचबैक कहते हैं, कमर के कुब को। तो इस कैनरी का जो नाम है बेल्जियन, बेल्जियन का मतलब क्या होता है, जो बेल्जियम के लोग हैं या बेल्जियम की बनाई हुई कोई भी चीज हो, या जो चीज बेल्जियम में पहली बार इंट्रोड्यूस करवाई गई हो, या वहीं की कोई चीज हो, तो उसको बेल्जियन कहा जाता है। तो इसलिए इसको दी बेल्जियन हंचबैक कैनरी बर्ड कहा जाता है। इसकी निशानी यह है कि इसकी टांगे लंबी हैं और कमर पे देखें कुब सा निकला हुआ, एक अजीबो गरीब किस्म की जो है वो ये दिखने में नजर आती है। लेकिन माशाल्लाह आप देखें कि अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतों में से एक है, ये भी ब्रीडर्स के लिए एक नेमत से कम नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम है, ये रेयर हैं। बेल्जियम में तो होंगी ज़्यादा, क्योंकि वहीं का ये बर्ड है, वहीं पे ही म्यूटेट हुआ है, लेकिन बाकी मुल्कों में इसकी बहुत भारी डिमांड है और दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है ये। हम पूरे कराची में दाना सप्लाई करते हैं, आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन दाना मंगवा सकते हैं, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो, 80 किलो भी मंगवाना चाहें तो मिल जाएगा आपको, घर बैठे मिलेगा आपके डोर स्टेप के ऊपर। मंगवाने का तरीका क्या है, दाना लिख के सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। अब इसके पॉस्चर की बात करें, अगर आप बॉडी पॉस्चर जो है इसका, टांगे लंबी और सर जो है वो झुका हुआ, कमर उठी हुई, एक पल के लिए देख के आप जरा अंदाजा लगाएं कि ये पत्नी क्रॉस कैसे करते होंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्रॉस कैसे करती होगी। और कई सारी इस बर्ड को लेके लोगों के दिल में अब बहुत सारे सवालात हैं। कई लोग कहते हैं कि ये फ्लाई कैसे करती हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उड़ के कैसे जाती हैं। कई लोग सोचते हैं वीडियो देख के, क्योंकि वीडियो में फ्लाई करती हुई नज़र नहीं आ रही, तो ये एक सवाल होता है कि क्या इनके फ्लाइंग फेदर्स काम करते हैं, क्योंकि इतना इतना डिफरेंट पॉस्चर होने की वजह से क्या इनको उड़ने में तकलीफ होती होगी। बहुत सारे सवालात हैं जो आपके जहनों में होंगे, मेरे भी जहन में आए जब मैंने वीडियोज़ देखी इसकी, क्योंकि किसी वीडियो में मैंने इसको उड़ते हुए नहीं देखा, ये एक ही जगह बैठी हुई। आप तमाम वीडियोस फुटेजेस देख लें, जितनी भी फुटेज आप सामने देख रहे हैं, क्या ये आपको उड़ती हुई नजर आ रही है, नहीं, ये एक जगह बैठी हुई है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो, ऐसा हो सकता है कि शायद ये ना उड़ती हो, आपने कॉमेंट्स में बताना है कि ये उड़ती है या नहीं उड़ती, जो भी आपको इसके बारे में पता है वो बताइएगा लिख के, मैं देखूंगा, कॉमेंट्स पढ़ूंगा खासकर इस वीडियो के। अच्छा, मेरे क्वेश्चन क्या है कि क्या ये उड़ती होगी, नहीं उड़ती होगी, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि ये खाली फुदकती हो, खुदकने से मुराद ये कि जस्ट ये जंप कर पाती हो एक डंडी से दूसरी डंडी पे, सिर्फ जंपिंग की स्किल्स हों इसके अंदर, उड़ फ्लाइंग स्किल्स ना हो। ऐसा भी हो सकता है जो हम सोच रहे हैं वो गलत हो, ये फ्लाई भी करती हो, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो तो, लेकिन ये क्रॉस कैसे करती होगी समझ नहीं आ रहा। इसको तो देखें खुद बैठने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, देखें इसको तो खुद पैर जमाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो एक फीमेल जो है वो अपने कंधे पे या अपने जो है वो पिछले एरिया पे किसी मेल को बिठा के उससे कैसे क्रॉस करवाती होगी, बहुत ही सोचने वाली बात है ये, बट बहुत इंटरेस्टिंग है इसको सोचना भी। अगर कोई बंदा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ अगर जवाब दे पाए तो भाई ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर आपने जवाब देना है कि ये क्रॉस कैसे करती हैं, या ये फ्लाई करती हैं कि नहीं करती हैं, खाली जंपिंग करती हैं, अगर इसको केज से बाहर निकाल दो तो ये क्या करेगी, उड़ जाएगी, भाग जाएगी, क्या करेगी। अच्छा, एग्स पे बैठ रही हैं, मैंने बैठते हुए दिखाई देखी है गाइस, एग पे बैठ रही हैं सही से। लेकिन इतनी लंबी टांगे होने के बावजूद जो है बर्ड अगर एग पे बैठ रहा है तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह ताला की कितनी खूबसूरत ये नेमत है। अच्छा, इसके बिजनेस की अगर बात की जाए तो भाई मैं तो इंटरेस्टेड हूँ इसमें, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ। पता नहीं इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, पाकिस्तान में मैंने नहीं देखी अभी तक, मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल किसी के पास होगी। ये कैनरी मैंने बहुत देखी है, फ्रिल वाली देखी है, सब देखी है, इस तरह की नहीं देखी मैंने। अगर ये किसी भाई के पास है तो ज़रूर यार थोड़ा सा मेरे साथ जो है ना शेयर करे कि भाई इसका क्या चक्कर है, इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, इसका खाना पीना और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी ब्रीडिंग रेशो कैसा है इसका, और क्रॉसिंग करते हुए कैसा फील होता है इसको देख के, मतलब किस तरह करती हैं ये तमाम प्रॉपर इन्फो हो, या कीमत की बात हो कि कितने की है, क्या इसकी मार्केट वैल्यू, इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू क्या है, डोमेस्टिक वैल्यू क्या है,
क्योंकि मैं तो इंटरेस्टेड हूँ भाई, इतना यूनिक दिखने वाला बर्ड यार ये, और फिर बैठता भी अंडों पे, बच्चे भी निकालता हूँ, फीड भी करवाता हूँ। इट्स अनबिलीवेबल, ये तो समझें कि खुला पैसा है। मैंने आपको कहा ना कि किसी एक बर्ड के पीछे नहीं पड़ जाया करें, आप लोग लव बर्ड के पीछे पड़ जाते हैं, या कोई कॉकटेल के पीछे पड़ गया, या कोई बजरी के पीछे पड़ गया हाथ धो के। तो हमेशा इनोवेशन लाएं, नई नई चीज़ें करें। अब ये नया बर्ड है, हालांकि मुझे कैनरी का कोई ज़्यादा शौक नहीं है, बट इतनी अलग और यूनिक फिजिक होने की वजह से इतना डिफरेंट बर्ड लग रही है, इसकी इतनी सारी खासियत अलग अलग तरह की देख के, तो आई एम इंटरेस्टेड। मैं तो इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहूँगा, जितनी मेरी औकात के हिसाब से मुझसे हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा। वो अलग बात है कि अगर ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो मेरी पहुँच में नहीं है, तो हो सकता है फिर मैं वेट करूँ। बट जहाँ तक इंटरेस्ट की बात की जाए तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इसमें। कोई भी बंदा पैसा क्यों नहीं लगाना चाहेगा इसके अंदर यार, पाकिस्तान में ये है ही नहीं। आप अगर एक ही बंदा है, लाठ में माल है किसी के पास, 50-60 दाने पड़े हैं, तो सोच लो आप किस किस हिसाब से बेच पाओगे बड़े आराम से। मैं तो ब्रीड करवाने के लिए भी तैयार हूँ इससे, मेरे पास काफ़ी केजेस पड़े हैं अभी इनके साइज़ के, यानी कि जो कैनरी बर्ड उसमें रह सकता है, तो एक्स्ट्रा केजेस हैं। तो मैं कुछ बजीज उसमें से निकाल के इनको ज़रूर रखना चाहूँगा, अगर ये मेरी अफोर्डेबिलिटी में आ जाते हैं तो। भाई ये देखो, बच्चे भी दे रखे हैं, बच्चे भी दिए हुए हैं, और ये फीड भी सही करवा रहे हैं भाई, फ्लाई भी कर रही है, मैंने वीडियो में देख लिया थोड़ा बहुत, देखिए ऑब्जर्वेशन मिल रही है थोड़ी थोड़ी, फ्लाई भी कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, एक पीस मैंने देखा कि इनको ब्रीड जब करवा रहे हैं तो एक पीस जो है वो कॉमन कैनरी का लगा हुआ, ये क्या सीन है यार, ये कोई अलग बात तो नहीं है कहीं, हो सकता है ये भी कोई डिफरेंट तरीका हो इसका। ये तो वही बंदा बता सकता है जिसको इनके बारे में पर्टिकुलर नॉलेज है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जितने ब्रीडर पेयर लगे हुए हैं ना, उनमें एक पीस जो है वो कॉमन कैनरी का लगा हुआ है, ये क्या सीन है यार, ये भी कोई बताएगा, हो सकता है कोई चक्कर हो इसका भी। अब इस बर्ड में देखते हैं, अगर किसी ने ब्रीड किया हुआ फुटेज के अंदर देखने में मिल जाए अगर, तो चेक करेंगे कि फीमेल उसके साथ कैसी लगी हुई है, या पता नहीं ये फीमेल है या सही वाला मेल है, या कॉमन वाला क्या है क्या नहीं। अब ये ब्रीडर केज है, ये ब्रीडर केज है, ये एक और ब्रीडर केज आ गया। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें फुटेज अगर मिल जाए हमें किसी, दोनों पूरा पेयर दिखाया जा सके जिसमें, अभी तक तो पेयर देखने में नहीं मिल रहा मुझे। अच्छा जिस भाई के पास ये है ना भाई, देखो तो सही, बंदे ने क्या सेटअप बिठाया हुआ है यार, क्या सेटअप बिठाया हुआ है। अच्छा गाइस देखें आप जरा गौर करें, मैंने अभी एक दो पीसेस देखे इसके अंदर यार, इसमें कॉमन भी डली हुई है अलग से, मतलब एक पीस जो है वो कुछ और है, दूसरा पीस कुछ और है, ये क्या सीन बना हुआ है। मतलब पेरेंट्स में एक जो है वो प्रॉपर हंचबैक है और दूसरा कॉमन का डला हुआ था, और इस वाले केज में आप देख लें नेस्टिंग भी लगी हुई है, लेकिन दोनों ही हंचबैक हैं, तो ये एक अलग मामला होगा। बच्चे देखें इसकी टांगे कितनी लंबी हैं, छोटे से बच्चे की भी टांगे फोल्ड होके भी इतनी लंबी लग रही हैं, बहुत ही रेयर चीज़ है। और अभी तक अगर आप में से किसी को नॉलेज है या पाकिस्तान में किसी ने देखी है तो मुझे ज़रूर कॉमेंट करें। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास, गर्मी बहुत ज़्यादा है बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी, और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नज़ला खांसी मोशन बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमज़ोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल में, वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटी लाइसिस स्प्रे जो जुओं के लिए, परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है ये, सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पर आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।